नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों, आप सब राजी खुशी होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो चलो बात करते हैं दोस्तों। काफ़ी रोज से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दिल्ली में ठंड काफ़ी थी और सूरज भी नहीं निकल रहा था। और डोरमेंसी का पीरियड जो है हमारा चलता है दिसंबर और जनवरी में, ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे पौधे कोई ख़ास ना तो बढ़ते हैं ना कोई उस पर नए फूल या फल लगते हैं। तो आज बात कर रहे हैं ये अमरूद की कौन सी वैरायटी लें छत पे लगाने के लिए। तो मैंने दो वैरायटी चुनी है। वैसे तो कई वैरायटी है अमरूद की, पर वो सब खेतों के मतलब की है। तो ये जो देख रहे हैं ये पौधा, ये ताइवान सफ़ेदा है, और ये दूसरा ये वाला जो पौधा है ये ताइवान पिंक है। तो 7-8 पौधे हैं ये टोटल मिला के, जिसमें 3-4 सफ़ेदा के हैं, 3-4 पिंक के हैं। और इन पौधों की खासियत ये है कि ये पूरे साल भर फल देते हैं। ये देख रहे होंगे छोटा सा अमरूद है, ये बनने लग रहा है इसके ऊपर। और जैसे ही अब ये बाहर का मौसम शुरू हो गया, बसंत आ चुका है, बसंत ऋतु चालू हो चुकी है, हमारे इन पौधों पे नए नए फूल और फल लगते रहेंगे। तो ये दिखा रहा था मैं आपको ये छोटा सा अमरूद, और ये कपड़े के अंदर मैंने ढक रखे हैं क्योंकि यहाँ कभी कभी मूंग की और कभी वो आ जाती हैं चिड़िया, ये फल खा जाते। तो ये अमरूद दोस्तों का काफ़ी इसके अंदर मोटा हो चुका, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ये पक्षियों से बचाने के लिए ऐसे ही उधर कपड़े के अंदर नीचे उस पर भी 3 अमरूद काफ़ी मोटे हो चुके। और इसके साथ साथ दिखाऊं तो मैं आपको ये इसके ऊपर नए अमरूद भी लग रहे हैं, और इसी के साथ इसी के ऊपर ही मोटे मोटे फल भी लग रहे हैं इसके अंदर अमरूद के। और ताइवान पिंक की बात करें तो इस पर फूल आते रहते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन पौधों को लगाए, अभी मेरे को 4-5 भी नहीं हुए हैं। और 40 से लेके 60 दिन तक तो ये अपना रूट पकड़ने में, जड़ पकड़ने में पौधा ले लेता है, उसके बाद ही कोई फूल आती है इस पर, फ्रूटिंग आती है। तो अब जैसे बाहर का मौसम चालू हुआ, इसके ऊपर खूब सारे अमरूद के फूल और फल लगेंगे आने वाले टाइम में। ये छोटा सा भी पौधा है, इसके ऊपर भी कई बार आ के गिर चुके हैं क्योंकि बहुत छोटा पौधा है, छोटा पौधे के ऊपर फूल रुकता नहीं है, मैच्योर नहीं है। और अनार की बात करें तो अनार के ऊपर ये फूल आने शुरू हो चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको ये दोस्तों। ये तो इस तरह अनार के ऊपर भी फूल आने शुरू हो चुके हैं, और अनार का जो टाइम होता है ये फूल आपको अच्छी तरह दिखाई देंगे होंगे। ये फरवरी से मार्च में आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और नींबू की बात करें तो नींबू इस साल काफ़ी आया सबके पौधों के ऊपर और फूलों से भरा हुआ है। तो धीरे धीरे इसके ऊपर डोरमेंसी का समय ख़त्म हो चुका है और फल आते रहेंगे। दोस्तों वैसे तो काफ़ी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैं तो खाली देख रेख बताता हूँ। और अमरूद के लिए यही वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर आप पौधे का चयन करें तो ताइवान सफ़ेदा या ताइवान पिंक ही लें, क्योंकि इस पर 12 महीने फूल और फल लगते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों कौन सा पौधा हमको अपने घर पे लगाना चाहिए छत के ऊपर। और फरवरी का मौसम है, आज 27
सॉरी 7 फरवरी है, और कुछ ये मैंने कलम लगाई है, और अभी मैंने इसको उठा के इसको देखा तो इस पर बटिंग शुरू होने वाली है। 2-4 दिन के अंदर अच्छी तरह से हो जाएगी और फिर आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है मेरा कि जैसे मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मेरे साथ आप भी एक्सपेरिमेंट करें। तो एक किस्म से सोते हुए दोस्तों को जगाने का मैं काम करता हूँ। बाकी ज़्यादा सीड लगाने का या किसी चीज़ का मैं लोगों को मैं भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता, और पौधों की देखभाल के लिए ही अपनी ये वीडियो बनाता हूँ। और कुछ गुलाब के पौधे अभी लगाए हैं, ये छोटा सा फूल भी आ रहा है, नए नए पत्ते आने शुरू हो गए, नई बटिंग आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आप भी काम कर सकते हैं ये ऐसा। और पिछले साल भी मैंने दोस्तों ये कटिंग काफ़ी लगाई थी, 7-8 मेरे पास शहतूत की कटिंग हो गई थी। तो जो पिछले साल मैंने 7-8 कटिंग लगाई थी, सब पे बटिंग शुरू हो गई थी, सारी कलमें बिल्कुल ठीक ठाक लग गई थी। और मेरे पास जगह की कमी होने की वजह से मेरे को उसको फिर बाद में तोड़ तोड़ के फेंकना पड़ा, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन अब काफ़ी जब दोस्तों को पता चला तो काफ़ी इंतज़ार में है ये शहतूत की ऐसे पौधे लेने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट करके मैं दोस्तों में ये बांट देता हूँ। पिछले साल की अगर शहतूत की बात करें तो इस पे काले वाला लंबे वाला शहतूत आता है, और काफ़ी ये दोस्तों ये पौधा पिछले साल की लगाई हुई कलम काफ़ी मोटा इसका ये तना हो चुका है, और इस साल ये मार्च अप्रैल के अंदर फल देगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये अपराजिता का पौधा है और इसके ऊपर अलग अलग कलर के फूल आते रहते हैं। तो इस समय जो फूल मेरे पास इसके फूलों के बीज है, सीड है, वो वाइट सिंगल, ब्लू सिंगल और पर्पल डबल, ये 3 कलर के सीड है। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ हमेशा डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप पे भेज के अपना एड्रेस, मेरे से बात करके सीड इसके मंगवा सकता है। और सीड तो हम पूरे साल भर ही देते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सीड के लिए। पीछे ये फालसे का पौधा है और अभी पतझड़ का मौसम है, धीरे धीरे ये सारे पत्ते गिर जाएंगे और नए पत्ते आएंगे, और अप्रैल मई के अंदर फालसे लगने शुरू हो जाएंगे। तो बात कर रहे थे फूलों के बीजों की, तो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर लेके आप जो है बीज इसके ले सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए दोस्तों चलता हूँ, तरीका आपको बता दिया सीड लेने का। तो पीछे फालसे के भी काफ़ी सीड मैंने दोस्तों को भेजे थे, और ये सिलसिला मेरा पूरा साल भर चलता रहता है। जो कटिंग लगाता हूँ, कटिंग जो लग जाती है वो दोस्तों को दे देता हूँ, जो बीज बनते हैं वो दोस्तों को दे देता हूँ, और वीडियो बनाने का यही मकसद होता है मेरा। और ज़्यादा ज्ञान नहीं देता मैं दोस्तों को, क्योंकि चारों तरफ मकान काफ़ी लंबे लंबे बन चुके हैं, धूप की काफ़ी कमी है, और इसकी वजह से हमारे पौधे भी नहीं चलते। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।